2nd of April and just woke up around 10:30. आज यार लेट हो गया हूँ, टाइम है नहीं, छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे फिर उसको एडिट करके देखते हैं कैसा ब्लॉग बनता है। तो दैट्स व्हाई आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। एंड हमारे पास एक काम होता है सुबह उठते ही जो हमें करना होता है, पर भाई आपको दूध पिलाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग का काम रहता है, शाम से मतलब हमारा काम चालू होता है, सुबह मॉर्निंग तक रहता है। फील सो टायर्ड गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल यार। तो चलो यार लॉर्ड पार्थ को दूध पिलाते हैं एंड तो देखते हैं कैसा दिन जाता है। बस ये पिलाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे एंड स्टोर निकाल लेंगे पार्ट से, ठीक है। ओके सही है, ठीक है कि अब हम हो चुके हैं रेडी एंड बस ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे। क्या था बच्चों का यार, तो ब्रेकफास्ट अब हमारे डब्बू के पास है। कर दो बात, हाय करो। तो मैडम थोड़ा थकी हुई, कल काफ़ी काम था, गैस वेस्ट आए थे, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो खाना तो हमारा फेवरेट है मेरा, एक पोहा और एक नमकीन से वहीं, दीज आर द मोस्ट फेवरेट फूड्स ऑफ माइन इन द ब्रेकफास्ट, अगर मुझे मिल जाए तो दे आर लाइक लव। ओके एंड इसको सीधा निकलेंगे स्टोर जाएंगे, ओपन करेंगे। अभी जस्ट पूजा जा करके आए हम, पर हमेशा पूजा करते हैं एंड डेफिनेटली ये हमारे साथ खाना भी खाते हैं। हमको पसंद है सेवई, इनको भी बहुत ज़्यादा सेवई पसंद है। एक बार से देखिए, हाँ भाई तुमको ही दे रहे हैं ना, मतलब इनको भी पूरा बकायदा फूड चाहिए, हमको भी लाइक इनके साथ ही खाना पड़ता है। हाँ डब्बू खाना खा लेते हैं सुबह उठ के, पाल भाई साहब ऐसे हैं इनको दूध ही नहीं पीना है। चलिए अब थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं और ऐसी अभी तो साफ सुथरा है एंड उसके थोड़े बाद ये पार्थ भाई साहब अपनी सारी ड्रॉस खोलेंगे सामने से, चारों खिलाओ नहीं गिरा गिरा के पूरा रूम की ऐसे हम तैसे कर देंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा फिर से मिलते हैं, ब्रेकफास्ट कर ले फिर निकलते हैं, ऑन द वे मिलते हैं आपसे, ठीक है बाय। द नेक्स्ट डे, क्या हाल है सबके यार। कल मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था, उसके बाद आज मैंने सेकेंड में कल उसका बनाना ही भूल गया, तो हुआ क्या सीन है। अभी फ़िलहाल के लिए हम स्टोर पहुंच चुके हैं अपने एंड कल का नहीं लेकिन आज इट्स सैटरडे, यस्टरडे मैंने फ्राइडे को स्टार्ट किया था व्लॉग का थोड़ा सा बहुत, ठीक है। तो अभी हम स्टोर पे पहुंच चुके हैं, एज यू कैन सी द स्टोर इज़ ओपन, ओके एंड बस यार अभी सिस्टम विस्टम सब चालू करने वाले हैं, ठीक है। एंड सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ, अभी थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग होगी, तो पूरा कुछ तो ऐसे ही पड़ा है। फिर अब व्लॉग के अब स्ट्रीम ही चालू करने का टाइम है, ठीक है। तो स्ट्रीम चालू होती है फिर बीच में आपसे मिलते हैं, ठीक है, एंड दिखाते हैं कैसे स्ट्रीम करते हैं, कैसे गेम प्ले होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखते रहिए और बस और क्या बताएं गाइस, अपना छोटा सा प्यार सा स्टोर है, यहीं पे बैठ के हम बस सारी आपको दिन भर की स्ट्रीम दिखाते हैं, बाहर बैठ के हम बाहर से यहाँ से बैठे बैठे बाहर के नज़ारे लेते हैं, क्योंकि आपको धीमे धीमे फोकस डिफोकस होते हुए दिख रहे होंगे। तो बस ऐसी दिनचर्या चलती है गाइस, और कुछ नहीं, पार्थ तो बहुत एक नंबर की शैतान है भाई, पार्थ ने तो शैतानियों के पूरे बांध लगा रखे हैं, नेक्स्ट लेवल भाई, शैतानियाँ शैतानी 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 चल रही है पार्थ भाई साहब की, तो क्या ही बोले। चलो एंड ब्लॉग का भी देखते हैं फिर, थोड़ा बहुत और इसमें डालते हैं फिर, अभी स्टोर जब बंद करेंगे या बीच में जब टाइम मिलेगा तो इन बिटवीन द स्ट्रीम हम इसको ब्लॉग को करेंगे, ठीक है। तो चलो कैरी ऑन और ये फ्लो में चलती रहेगी। अब एक दो दिन तीन दिन की शायद हो सकता है, आज नहीं तो कल की भी मैं इसमें ब्लॉग में कुछ क्लिप्स डालूँ, देन मैं इसको पूरी तरह से एडिट करके फिर एक पूरे कंप्लीट ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं भाई, बाय बाय गाइस, हेलो वेलकम बैक। एंड सीन कुछ ऐसा है गाइस कि अभी फ़िलहाल के लिए तो स्टोर इज़ अबाउट टू क्लोज, सुबह की अच्छी खासी स्ट्रीम हुई आज, काफ़ी हेल्दी एंड गुड स्ट्रीम इट वॉज। एंड DOC में भी भाई अपना हो गया सिलेक्शन, अब बचता क्या है, बचता ये है गाइस कि अब कल का देखना है कल का दिन कैसा जाता है। एंड स्टिल द टाइम, अभी तो भाई पूरा लाइक फुल पैक्ड अप हो चुके हैं एंड उसके बाद अब निकलने वाले हैं घर को, फिर देखते हैं घर पे क्या चलता है गाइस सीन, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर है, पीछे आप लोग पूछते हो स्टोर कहाँ पे है,
यहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा बड़ा कोई खास स्टोर नहीं है, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, बहुत प्यार से बनाया है मेरी वाइफ ने, मैंने मिलके इसको। ठीक है तो बस चलो भाई निकलते हैं स्टोर से, अब घर निकलते हैं, देखते हैं पार्क के क्या वेटिंग है, क्या वेट चल रहा है। पापा उनके लिए चाल आए तो वो भी देखने का है। ठीक है तो वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है तो चलो घर पहुंच के देखते हैं क्या सीन है, क्या हो रहा है घर पे। ठीक है ओके बाय। हे वी आर ऑन द वे, ऑल द वे टू होस्ट। ठीक है एंड सीन ये है कि भाई निकल चुके हैं घर के लिए, पार्थ का दूध लेना था गाय वाला, तो वहीं बस अभी लिया है स्टोर से। तो निकल चुके थोड़ी देर पहले ही, स्टोर से निकलते टाइम क्लिप नहीं बना पाए तो अभी फिलहाल के लिए हम घर जा रहे हैं। ठीक है एंड पार्थ का दूध ले चुके हैं, हम घर जाते हैं, देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। छोटा सा रास्ता है, हार्डली लाइक 7 to 8 मिनट का डिस्टेंस है मेरे स्टोर से मेरे घर का, तो नॉट अ बिग डील, छोटा सा डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर घर से दूर रह भी नहीं सकते, पार से कैसे रह सकते हैं। तो दो दो मिनट में भाई वापस आते हैं। ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्राइविंग लेते हुए। भाई मास्क हम घर पे भूल गए हैं। ठीक है एंड अभी घर जा रहे हैं फिलहाल यार, ट्रैफिक 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 भाई साहब, कहीं भीड़ होगी नहीं होगी लेकिन ठेको पे जरूर भीड़ होगी भाई, नेक्स्ट लेवल की भीड़ रहती है भाई। नियर बाई टेका ही है पास ही में, मॉडल शॉप कह सकते हो, टेका बोलते हैं भाई। ठीक है तो चलो घर देखते हैं, घर पे चलते हैं, पता करते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आते हैं पार्थ के एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ही गिफ्ट की वो अपना डायलॉग बोलता है कि नहीं बोलता है। अब ये तो भाई पार्थ पे डिपेंड करता है कि वैसे तो वो डेली ही बोलता है पापा मेरे लिए चाल आए, तो आज देखते हैं क्या रहता है। ठीक है तो अभी मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ एंड फिर आगे देखते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसी को, और कल होगा तो कल शायद इसको एडिट करके आज रात में, कल मॉर्निंग में इसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है गाइज लेट्स सी, चलो घर पहुँचते हैं फट से। तो गाइज अभी हम घर पहुँचने वाले एंड दैट्स द स्पॉट, आपको मेरा घर दिखता हुआ होगा आज, आप लोग देख सकते हो बाहर से, ये पीले फूल वाला घर हमारा ही है, ऊपर पितामरा का बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा। ठीक है एंड वी आर द होम गाइज, वी आर एट द होम गाइज, लेट्स सी पार्थ के एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं। ठीक है फटाफट सामान लेते हैं, गाड़ी बंद करते हैं, चटपट चाट चाट वो जो साउंड आता है फटपट फटपट अपने आप लगा लेना। ठीक है एंड चलिए वो ऊपर देखते हैं, ऊपर देख घर पहुंच चुके हैं, लेट्स सी कि पार्थ का कैसा एक्सप्रेशन रहता है। ओह माय गॉड फाइनली वी आर एट होम गाइस। अभी यहाँ पे इसको एंड करते हैं एंड बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पार्थ ने दरवाजा खोल दिया, पापा तुम्हारे लिए फ्रूटी लाए, फ्रूटी कौन पिएगा, तो लेट्स गो, हाय कर दो, सबको बोल दो वेलकम टू द हाउस, द पार्ट्स हाउस। चल डब्बू, अरे डब्बू भी आ गए, हेलो डब्बू, हाँ हाँ क्या दे भाई, अच्छा देते देते। Meanwhile इधर देखे पार क्या हथौड़ा, तो कोई बदक नहीं पड़ता पार तो, इतनी हो सकती है छोड़ दो प्लीज पार, ये तो भाई पार्टी समझो तुम समझो भाई कैसे, हम तो भाई अपना टी एंड मैगी ज्वाइन करने वाले हैं। एज यू कैन सी कि पार्थ हमारा वेलकम कैसे करते हैं एंड राइट नो ही डजंट नीड हिज फादर राइट नो, उनको अपने पिताजी की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए बस फ्रूटी, उनकी फेवरेट है फ्रूटी, फ्रूटी ही चाहिए। भाई साहब अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं, और क्या चाहिए पार्थ तुमको, फ्रूटी, ये
और पापा का ऐसे नहीं, देखिए गाइस पापा को वो क्या बोलते हैं पार्ट, इधर बोलो, पहले तुम लोग पहले बोलो, पापा का और मम्मा का ये लो आपकी सूटी, बोलो थैंक यू, वेलकम। दैट्स इट गाइस, तो बस आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं एंड देखते हैं कुछ ऐड ऑन होता है तो ऐड ऑन खोल ले तो अगर कुछ और ऐड ऑन होता है गाइस तो बिल्कुल उसको डालेंगे। तो पहले बात करते हैं पापा को। ओह माय गॉड भाई, दिस इज द अमेजिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय कर दो पार्ट सबको, लव यू, थैंक यू सो मच, डू बोलो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दत्त साहब गेमिंग, यो। तो भाई बस अब समझ लो क्या बोला है पार्टनर भाई, बनता है भाई, ठीक है, चलो गाइस बाय।